राम राम जी सारे, कैसे हो आप सब। आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सभी का स्वागत है। तो जी यहाँ पे दोनों के दोनों मामी और भाण जी बैठ गए हैं आप पढ़ाई करण। मैं तो क्या पढ़ाई तो क्या करूँ थी, बस जो मतलब पेपर हुए थे, क्वेश्चन पेपर हैं वो ये सब संभाल कर अंदर रू थी, और जो भी मेरे कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो निकालने थे मैंने फाइल वगैरह मत, और मेरी जो बुक वगैरह इन्हें मैं अपने सेट करके ना धर दूँगी दराज में, तो बस वो ये सब करने लग रही थी मैं तो। और फिर मैंने ना मतलब बुक खोल खोल कर देखी है ना, फिर मैं थोड़ा पढ़ने का भी जी कर गया, तो मैं कहा चलो इतने थोड़ी देर थोड़ा वो जो है पढ़िया भी जावा, कोई बात नहीं नॉलेज हो जाएगी। और फिर मैंने नो भी हो गया कि है ना मतलब बंदा जो कर चक्कू है, तो इसने मैं दोरा बैठी पढ़ दी दिखूंगी, तो फिर इसका भी ज्यादा मन करेगा कि मामी पढ़े तो चल मैं भी पढ़ दिए रहूँ पढ़ दिए रहूँ। तो बस नुए मामने करीब 1.5 घंटा तो आराम तक लगा ही दिया हुआ, 1.5 पौना घंटा नुए बैठे बैठे या भी पढ़ने लग रही थी, और मैं भी अपने पढ़ने लग रही थी, अपने छुट्टियां का जो काम है वो संभाला दिया था इसने थोड़ा बहुत। और बस उसके बाद में जो कपड़े पड़े थे कुर्सियाँ पे, मंगा चलो इनकी जो तय है वो ये लगा कर न रखे जाओ, बाकी जो प्रेस है वो मैं धीरे धीरे निपटाती रहूँगी। बस ये है ना कोनी हुई मेरे में हिम्मत कोनी हुई, बस ये थोड़े बहुत दिन आ जाता बैठे, नहीं तो पहले डाउन ही चल रही थी, तो उस टाइम पे है ना कुर्सी धोए गई धरे गई नुए धोए गई धरे गई कुर्सियाँ पे, कुर्सी इतनी सारी भरगी, तो मैं कहा चलो इन्हें खाली कर देवांगी, और जो भी मेरी अलमारी वगैरह है वह भी मैंने जचानी थी, तो इसी करके मैं कहा चलो सारे जो कपड़े इनकी तय लगा कर न रखी जावे। तो जी ये देखो यहाँ पर आने लग रही है बारिश, परली साइड ना लग रही है कि सारी उराना आवे है, ये सारा गेट भीजी है, सारी गेट का लागा है बूंद पिछवाड़ आ रही है, और ये देखो सारे गोबर गोबर इतना मारा को नहीं हो, क्योंकि मार तो मैं ऐसे को नहीं मारा गोबर गिरता होगा या छात है पर आने इस पर गोबर पाथे, तो आंधी आई थी सरों में तो आंधी तो उड़ कर फिर यो उराना आ गया, ये बीच में ठंडी ठंडी चिल्ल बन लगन लग रही है, लेकिन गेट बंद करना पड़ेगा। ये देखो बुराल, अरे यो देखो गेट भी बंद कर रखे थे लेकिन गेट के नीचे तक भी आ गई, सारे नु धूल धूल हो रही है पूरा घर में, ये देखियो आड़े भी। ये बारिश रुके पाछे थोड़ी सी झाड़ू निकाल दूंगी मैं, और वहां तक पानी भी भरना पड़ेगा, ये बस थोड़ी ही और अच्छी बूंद आ जाए फिर पानी भर लूंगी। और ये जो कपड़े हैं इनकी इब तय करी थी हमने, इतने सारे कपड़े धोए धाए धरे थे, वे कुर्सी पर पड़े थे, मैं कहा चलो तय कर देवांगे इनकी। और बाहर रेडिया चलन लग रहा है पापा जी का, अगर रेडिया सुनाई दिया तो फिर कॉपीराइट आ जाओ, मैं बंद कर दूँ इस गेट ने, देखी हुई जो माड़ तक बेड तक भी पहुंच गई, और वहां पे कर दू मैं गेट बंद, देखो हवा भी चलने लग रही है ठंडी ठंडी कूल कूल, जब मस्त मौसम गजब का मौसम कर रखे एक नंबर का। तो ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है घर मारा, ये झाड़ू काट दी है मैंने, और बारिश भी रुक चुकी है, बस ये तो जमन ठंडी ठंडी के चालन लग रही है चक्कू, ठंडी ठंडी बिल्कुल कूल कूल है, और वहाँ पे वो डोल के साथ में खेल रही है वही बचपना, मैं छोटी थी जब मैं भी खेलिया करती वही, सब सब ने खेलने चाहिए। और आज मौसम हो रहा बिल्कुल सुहाना ये देख लो, और इसी खुशी में आज बनाएंगे घर पे मिठे पूड़े। तो मिठे पूड़े बनाने खातर सारे में पहले जो गुड़ है वो मैंने गोल लिया है, फिर भी गरम गरम है यो, इन्हें पहले थोड़ा ठंडा हो लेने दो, और ये भी तो टाइम भी कुछ है ना होया, ये भी तो 7 भी कोई बजे 5-10 मिनट रह रही है भी 7 बजने में, तो फिर जो है अपना आटा वगैरह है वो मिक्स करके फिर बना देवांगे, फिर ताते ताते खा लियो खाया करें चक्कू, किसे ला गया करें। अच्छा कितने दिन में बनाओ तामे उड़ा है, अच्छा यार तो जी कर जदे बना ले, 2-3 महीने तो बहुत घने हो गए चक्कू। तो मैंने कपड़े इतना लगा कर दर रखे, तो ई मैं कर दूँ अपनी अलमारी सेट, इतने अमित जी आऊँगी फिर उसके बाद में जो पूड़ी वगैरह वो बना दूंगी, ये देखो अभी तो 7 भी कौन बजे हैं, और इतना मैं कर दूँ मेरी अलमारी अच्छे से सेट। और अभी जो गुड़ मैंने पिंगलाया था उसमें मैंने घोल दिया है आटा, और बस ये इसने ना थोड़ी 10-15 मिनट खातर इन्हें ढक कर के ना रख दूंगी, फिर नू है मतलब 10-15 मिनट में ना जो डो है ना वो अच्छी तरह मतलब सेट हो जाऊगा, नहीं तो फिर थोड़ा ढीला ढीला रह जाया करें।
और अभी आ गई हैं अमित जी दुकान से, और आज तो बारिश ने जमा बुरा हाल कर रखा था, जमा भीजकन है हरे थे बारिश में, और बाइक पर तो नू है, मतलब ठंडी ठंडी हवा लगा, अगर बंदा भीज रहा हो तो ना मतलब जड्डा चढ़ जाया कर पूरा, जहाँ ठंड लगन लाग जाया करे, तो यहाँ पर अमित जी का यो हाल हाल हो रहा था, सारे ऊपर तल तक सारे के सारे भीज रहे थे। और लो जी पूड़े जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं, और सब ने गर्मा गर्म खाए थे, जमा तो आप तो उतर दे क्योंकि ये तो गर्मा गर्म ही स्वाद लगे। अब मीठे पूड़े के साथ में क्या तो आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी बहुत ही मस्त लगा करे, और या फिर अचार के लिए भी बहुत बढ़िया लगा है, तो हमने तो अचार के ही साथ में खा लिए थे, और बस जमानू तो आप तो उतरे अलग अलग प्लेट में जावा थे। तो आज जी जिस जिसने पसंद हो वही खा लियो गर्मा गर्म ताते ताते पूड़े, तो बना दूंगी आप खातर भी, आ जाओ खा लो जमा छक्के ना खाइयो। और ये जितनी भी सारी क्लिप आवेंगी आ गई हैं सारी आज सुबह की क्लिप, और आज मेरा व्लॉग लेट भी हो चुका है, 12 बजे आया करे तो लेट हो गया व्लॉग, क्योंकि आज मैं सुबह थोड़ी साफ सफाई से करने लगी थी, मखा चलो आज थोड़ा साफ सफाई का भी व्लॉग डाल देवा, और बस सुबह भी जो है नहा ली थी, और उसके बाद मैं फिर दोबारा ते फिर तय नहाना पड़ा क्योंकि साफ सफाई धूल मिट्टी इतनी उड़ी, क्योंकि लड्डू गोपाल है जो उसका भी तो करना था ना मैंने कृष का, तो इसीलिए। और बस जो बेड वगैरह हैं सारी फोटो वगैरह सारे साफ कर दी थी, और जो इनके दराज हैं इनमें जो भी आलतू फालतू का सामान था ना सारा तो सारा उड़ा दिया है हमने, काम काम की चीज़ें जो वो रखी हैं बस, और साथ में चक्कू भी लग रही है, और बस जो बेडशीट थी वो खाट पे बिछा दी है चादर वगैरह, और उसके बाद में जो ये सर्दियाँ के कम्बल है ना ये एक आध भी गर्मियाँ में तब अभी ठंडा ठंडा मौसम है ना तो तब वो डै कर दें, तो मखाई तो ढूंढगी जूट को इन रख देवा, तो बस ये जो भी सारी चादर वगैरह थी एक दो बेडशीट थी जो गर्म बेडशीट हुई नोट डै करते, तो ये जो है बेड में रख दूंगी, और उसके बाद में जो ये जितने सारे जो बर्तन हैं ये इधर रखे हैं ना सारे हैं एक्स्ट्रा बर्तन है तो मैं ये भी रख देवा, चलना पड़ेगी तो काट लेवाएं, क्योंकि जो सारे बर्तन हैं वो मैंने एक बेड में ही रख रखे हैं, जब जरूरत पड़े तो तब काट लेवाएंगे, अभी तो सिर्फ घर में सदस्य ही 3 हैं तो 3 के हिसाब से मैं निकाल रही हूँ, बाकी तब सीमा दीदी और आऊँगी, जो दीदी और आऊँगी फिर उसके बाद में मैं निकाल लूँगी, उनके आने से पहले ही निकाल कर रख लूँगी। और यहाँ पे जो लोबी है यानी कि बेड है उसकी भी साफ़ सफाई कर दी हमने, और उसके बाद में जो यो के क्या करे इसने नाम तो था इसका क्या था जाली हाँ मतलब जाली डिब्बे वगैरह रखने की, तो ये जो इसका जो उपरला दराज जैसी वो भी इतना भूडा हो रहा था नहीं, वो भी सारा साफ कर दिया था मैंने, और उसके बाद में जो ये फोटो वगैरह थे ना ये मैंने दराज में पागी थी एक फ़ोटो, तो मैं कहा चलो इसने लगाए दिए वहाँ बाहर, क्योंकि बड़ी वाली फ़ोटो तो बाहर लगा को नहीं क्योंकि उसके 2 पेज लगाने पड़ेंगे, 24 काटने पड़ेंगे, तो मैं कहा चलो यह लगा दे वहाँ, और जो कैलेंडर था यो भी ऊपर लगा दिया है, यो आड़े गेट आ गया अड़ा करता पर्दे लगाया करते जद भी अड़ा करता, तो मैं कहा चलो इसने ऊपर टांग दे वहाँ। तो जी ये बना कितने बज गए आपको? 10 बजे में 2-1 मिनट पूरा एक्यूरेट टाइम बता दिया, 10 बजे में 2-1 मिनट रह रही हैं, और काम हमारा कुछ भी नहीं बना अभी तक, सारा खिंडाए बैठे हैं मामे। पहले मैं कहा चलो जो रोटी पानी है ना वो बना लूँ मैं, और इतने फिर बाद में काम फिर करना है करना टाइम में टाइम, दिन में सुन के टाड़ मार देवांगे ना, तो गोली दवाई लेकर अपना फिर काम कहीं लग जाऊंगी, गोली दवाइयाँ मन लगा गेड़ा हो जाओ, नींद की गोली दे रखी है मेरे तो, जमा खाते 4 घंटे तक तो जमा सही नींद आया मैंने, और अभी बस अलमारी के जो स्क्रू हैं स्क्रू है जो वो टाइट कर दी है मैंने, मतलब इसकी सर्विस कर दी है, अलमारी की सर्विस जो भी नट नट बोल्ट ढीले हो रहे थे करड़े कर दिए है मैंने अलमारी के, और ये देखो सारा मतलब खंडा बंडा पी गया है घर, किते किमे किते किमे मेज किते जा रहा है कुर्सी किते जा रही है, तो बस झाड़ू पोछा अभी तक कौन बना है, और मेरे हिसाब से 2 पैर 5 6 बनेगा हमारा, और कपड़े भी धोकर लेके आने आज मैंने शाम ने, तो बहुत सारा काम है, और मैं वो लोग का जो है आड़े एंड करूँगी, क्योंकि अगर जब मैं काम दिखाने लगे तो काम में काम मतलब फिर वार हो जाऊंगी वो लोग डालने में, तो इसीलिए। तो ओके जी फिर मिलूंगी आप सभी को कल एक नए व्लॉग के साथ में, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल बनाए तो चैनल से सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करिए, दियो और और कमेंट भी कर दियो साथ के साथ में, ठीक है? ओके जी फिर टाटा बाय बाय टेक केयर।